सभी को मेरा नमस्कार। दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्ठा ट्रेनिंग सेकेंडरी प्रारंभ होने जा रही है 1 अगस्त 2021 से। इससे पहले कि ये ट्रेनिंग शुरू हो, सभी शिक्षकों को अपना पंजीकरण दीक्षा प्लेटफॉर्म में करना अनिवार्य है, जिस हेतु मैं आपके सामने इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक इसको देखें। सबसे पहले हम दीक्षा प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेंगे, diksha.gov.in से। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर दीक्षा, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर दीक्षा, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने अपना रोल सेलेक्ट करना है एज ए टीचर। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू। फिर आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गेस्ट, आपने लॉग इन करना है। यहाँ पर आपने अभी तक अपने को रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए आप रजिस्टर हेयर करेंगे अपनी पूरी जानकारी के लिए, या आप अपने जीमेल आईडी से इसमें लॉग इन कर सकते हैं। वो सबसे आसान तरीका है आपके दीक्षा लॉग इन करने का। तो मैं यहाँ आपको ईमेल या मोबाइल नंबर से अपना लॉग इन करके बताना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पहली बार रजिस्टर करने के लिए। आपने यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर सिलेक्ट करना है। अब इसमें ओटीपी आएगा, आप यहाँ अपना ओटीपी सबमिट करेंगे। सबमिट कीजिए। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। पासवर्ड एंट्री कीजिए। और यहाँ लॉगिन, ये प्रोसेस है आपके फर्स्ट लॉग टाइम रजिस्ट्रेशन करने की। ये देखिए लॉगिन करने पर एज ए टीचर आया आपका, इसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर इनका नाम आया है, टीचर आया है, स्टेट सेलेक्ट करना है आपने उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट आपका वर्किंग प्लेस का डिस्ट्रिक्ट आएगा जहाँ आप भी कार्यरत हैं। सबमिट। उसके बाद एक आइकन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये प्रोफाइल शो हो जाएगी, ये दिखाई। अब आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये इनकी एक दीक्षा आईडी जनरेट हो गई है। ये आपने अपने पास संभाल कर रखना है और इसका पासवर्ड भी, जिसमें आप दीक्षा में बार बार लॉगिन करेंगे। इसमें एडिट ऑप्शन ये हो चुका है। सबमिट सबमिट डिटेल स्टेट। आप अब ये आगे पूछेगा, आप अपना जो डाटा है वो स्टेट के साथ शेयर करेंगे, तो आपने प्रोफाइल में क्लिक करना है। अब यहाँ पर एडिट देखिए, यहाँ पर अभी इनकी जानकारी कुछ नहीं है, तो आपने एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसमें बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्टेट बोर्ड उत्तराखंड, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो मीडियम रहेगा टीचिंग का, वो आपने हिंदी इंग्लिश जो भी आप जिसमें पढ़ाते हैं वो सेलेक्ट करना है। क्लास आप ये ध्यान रखिएगा, एलटी असिस्टेंट टीचर एलटी क्लास 9 और 10 चूज़ करेंगे, और लेक्चरर अदर पर चूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सबमिट। उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान रखना है, जब आपको किसी भी माध्यम से कोर्स का लिंक दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने कोर्स देखेंगे, कोर्स
कि आपने कौन सा कोर्स कितना कर लिया है, और जब उस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ई सर्टिफिकेट जनरेट का, तो उसमें दिखाएगा कि आपके कोर्स कितना हुआ है, कितना बचा है और सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कितने आपके ई सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, तो उसको आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।